एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रांची में हुआ पहला टी20 मैच 9 विकेट डीएलएस मेथड से जीत लिया। बारिश से प्रभावित इस मैच में टीम इंडिया को 6 ओवर में 48 रन का टारगेट मिला था, जिसे उसने 5.3 ओवर में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। मैच के दौरान एक मौके पर विराट ने इतना जबरदस्त थ्रो किया, धोनी भी चौंक गए। इस वक्त डेनियल क्रिस्टियन को पवेलियन लौटना पड़ा। मैच के दौरान यह मोमेंट ऑस्ट्रेलिया की इनिंग में बारिश की वजह से मैच रुकने से थोड़ी देर पहले 19वें ओवर में नजर आया। 18.1 ओवर में भुवनेश्वर कुमार की बॉल पर डेन क्रिस्टियन ने लॉन्ग ऑन पर शॉट खेला और एक रन पूरा करने के बाद तेजी से दूसरा रन लेने की कोशिश की। उस वक्त विराट लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे थे। उन्होंने फुर्ती के साथ आगे आकर बॉल को लपकते हुए बैटिंग क्रीज की ओर थ्रो फेंक दिया। विराट ने इतना जबरदस्त थ्रो किया था कि बॉल सीधे जाकर स्टंप पर लगी। उधर धोनी भी इस थ्रो को लपकने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विराट का थ्रो इतना सटीक होगा। इसके बाद फैसला थर्ड अंपायर के पास गया। टीवी रिप्ले में डेन क्रिस्टियन नॉट आउट निकले। विकेट सेलिब्रेशन के दौरान धोनी विराट को बताते हुए नजर आए कि किस तरह उनके थ्रो से वे हैरान रह गए।